हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, बट काफ़ी टाइम से ना मतलब क्या हो रहा है मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। सारे टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ ले रही हूँ, मेडिसिन भी स्टार्ट है, बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए थोड़ी तबीयत डाउन है, तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा प्लीज़। तो आज मैं बना रही हूँ सादा सिंपल, एकदम सिंपल सा भोजन, बोलते हैं ना सिंपल खाना, जिस तरह से आप बोल सकते हैं जो बीमार लोग रहते हैं उनके लिए। तो मैं बना रही हूँ मिक्स दाल और चावल, क्योंकि आज मैं यही सोचा यही खाएंगे सिंपल। और ज़्यादा मैं कुछ बना भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि चपाती वगैरह बनाने की मेरी ताकत अभी इतनी नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले ही सारे मिक्स दाल आप लोग को पता होंगे, जितने भी दाल आते हैं सबको मिक्स करके वॉश करके अच्छे से थोड़ा सा हल्दी डाल के सिर्फ पका लिया है। और उसके बाद कांदा, लहसुन, मिर्चा और अदरक, जीरा और थोड़ा सा हींग, ये सब डाल के अच्छे से फ्राई किया, कड़ी लीव्स। उसके बाद छोटे छोटे मैंने 2-3 टमाटर लिए थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, कैसा स्पाइसी खाना है। मेरे को स्पाइसी चाहिए था, क्योंकि मेरे मुंह का ना पूरा टेस्ट गया हुआ मेडिसिन की वजह से, तो इसके लिए मैंने बोला थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ एक स्पून जो है छोटा सा, देख रहे होंगे आप, ये स्पून से मैंने एक जीरा पाउडर और उसके बाद में धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी बहुत मामूली सी अपना मिर्ची पाउडर, और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक मैंने दाल में नहीं डाला हुआ है। और टमाटर में डालते हैं तो कैसा टमाटर जो है ना अच्छे से जल्दी से पक जाता है, मतलब घुल जाता है। इसके लिए तो मैंने ये सब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स की, बट लहसुन मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि लहसुन और धनिया की पत्ती ये दोनों मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने अपने हर ब्लॉग और शॉर्ट्स में बोला है। तो ये रही मेरी दाल, जो मैंने कुकर खोल दिया तो देखो इस तरह से सारी मिक्स दाल है, जिसमें उड़द, मसूर, मूंग, अरहर, सब पूरा मिक्स है, चने की दाल सब पूरा मिक्स करके थोड़ा, तो उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद ये देखिए इस तरह से मेरी दाल हो गई रेडी। तो किस किस को ऐसा सिंपल खाना पसंद है? गर्मा गर्म दाल, चावल और अचार, अचार में कोई भी अचार रहने, तो इधर मैंने लगा दिया चावल, बट मैं तो आम का अचार ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आम का अचार ही अच्छा लगता है। कभी कभी नींबू का खाती हूँ या फिर मिर्ची का, अदरवाइज़ का ऊपर से डाल दिया ये मैंने हरी धनिया, जैसा कि मैंने अब भी बोला थोड़ा टाइम पहले ही। हाँ, ये ब्लॉग जो है मेरा, ये जो शॉर्ट्स है, वीडियो है ना, ये थोड़ा पुराना है, मैंने जिस बना के रखा था डाला नहीं था, क्योंकि ये डालती उसके पहले ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जैसा कि आप देख रहे हो अभी, इसमें तो ख़राब दिखी रही है। तो इसके लिए ये काफ़ी पुराना है, तो आप इसको अवॉइड करिएगा, बट मेरे पास पड़ा था तो मैंने डाल दिया। तो ये रहा मेरा दाल, चावल और अचार। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरी YouTube फैमिली आप लोग बताना कि कैसा लगा और किस किस को पसंद है ये खाना, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं।